हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो आप सभी लोग? आज मैं ये वीडियो में कल का दिन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कल SBI PO 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है एंड मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे था ये। एंड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, लाइक एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हमने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे मोमेंट्स क्रिएट करे, तो वही मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ऑल्सो जिनका भी एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है उन लोगों के लिए कंग्रेचुलेशंस, एंड जिन लोगों का नहीं क्लियर हुआ है उन लोगों को भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी दोबारा से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस गोइंग रखें। कल मेरे भाई का रिजल्ट आया एंड वो शायद 3 बजे के अराउंड था, तो इसका रैंडमली आई वॉज इन ऑफिस, तो इसका रैंडमली कॉल आया कि हाँ क्या कर रही है। मैंने बोला ठीक, हाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो इसने कहा तो रिज़ल्ट देखेगी, और हम लोग इतना टाइम से वेट कर रहे थे क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि इस बार रिज़ल्ट डिले हो गया था, मतलब बहुत लेट आया है। एंड हम लोग हर दिन वेट कर रहे थे, हर शाम को हम लोग बस ऐसे ही स्टार्ट होके कि चलो कोई नहीं, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने जल्दी से सरकारी रिजल्ट खोला, उस पर अपडेट नहीं हो रखा था, तो मैंने उसे वापस कॉल करी कि मेरा पागल क्यों बना रहा है, क्यों ऐसे इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो उसने कहा कि अरे पागल है, आ रखा है। तो बस फिर ही वॉज अराउंड समवेयर माई ऑफिस, तो मैंने उसको बोला कि काम कर मेरे ऑफिस ही आ जा, मतलब मेरे को इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो मैंने उसको वहीं पे बुलाया एंड मैंने कहा कि अभी रिजल्ट मत देखना, साथ में देखेंगे। तो ये मेरे ऑफिस आया और आई थिंक हमारे कॉल के बाद ये 10 to 15 minutes में मेरे ऑफिस पहुँच गया था, बट उस बीच में मैंने इसे 3-4 बार कॉल करी कि कहाँ है, कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं तब तक क्या करूँ। और मतलब मैं रेस्टलेस हो गई थी, एकदम काम कर रही थी और मैं काम भी भूल गई मैं क्या काम कर रही थी। तो ही जस्ट केम, तो फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोग बैठे वहाँ पे और चुपचाप होके हम दोनों ने रिजल्ट चेक करा PDF में, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हमने ज़्यादा नहीं तो 7-8 बार चेक करा जब तक प्रॉपर कन्फर्म नहीं हो गया कि हाँ इसी का रोल नंबर है, बिकॉज ये वाली फीलिंग, ये नर्वसनेस, एक्साइटमेंट एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है, और मैं भी आई हैव बीन थ्रू इट, तो मुझे भी पता है। एंड हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि प्रॉपर देखेंगे, पहले तो हमने बहुत बार देखा एंड कंफर्म हो गया, और फिर उसके बाद मैंने उसे हग करा बहुत तेज से। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसका रिजल्ट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बिकॉज अच्छा हुआ था पेपर, बट स्टिल वो नर्वसनेस, वो लाइक डाइसीपन होता ही है थोड़ा सा कि होगा नहीं होगा, डर लगा रहता है। तो वो एकदम क्लियर हो गया कल, एंड फिर मैंने अपने ऑफिस में, उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में सभी से अपने भाई को इंट्रोड्यूस करवाया, उन लोगों को पता था कि इसका इंटरव्यू हुआ है, तो सभी लोग खुश हो गए कि अब तो पार्टी दोगे, और फिर मुझे कहने लग गए कि अरे आपका भाई देखो आपसे भी बड़ा बन गया ऐसे करके, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर हम दोनों ने प्लान करा कि अभी घर पर नहीं बताते हैं, घर पर हमारी सिस्टर थी, हमारी मम्मी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि घर पे अभी नहीं बताएंगे, जब मेरी छुट्टी होगी तो फिर साथ में जाके उन लोगों को साथ में सरप्राइज़ करेंगे। और फिर तो मैंने भाई को बोला कि अभी लाइक यहीं पे कहीं पे आप घूमो, और फिर मैं शाम को जब भी फ्री होंगी 6 बजे के आसपास, तो फिर हम लोग घर चलेंगे और सबको बताएंगे। फिर वहाँ पे ऑफिस में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, फिर मैं अपने भाई को पार्किंग में लेके गई और मैंने उसे बहुत तेज़ हग करा, और हम दोनों बहुत तेज़ चिल्लाए कि ये यू डिड इट, ऐसा करके बहुत मज़ा आया। और फिर हमारी सिस्टर दिल्ली में रहती है, तो हमने उसको वीडियो कॉल करी और वो सो रही थी उस टाइम पे। पहले मैंने नॉर्मल कॉल करी, फिर वीडियो कॉल करा, फेस टाइम करा, उसने नहीं उठाया, तो हमसे रहा नहीं जा रहा था, मतलब हमें ये हो रहा था किसे बताएं, घर पे तो नहीं बताना है। तो एक वही ऑप्शन थी, फ्लैटमेट को कॉल करी और उसको बोला कि प्लीज़ गोलू को उठा दे, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो वो भी शायद आई थिंक सो ही रही थी, और फिर वो फटाफट गई उसके रूम में, उसने उसे उठाया, जैसे उसकी आवाज़ आई मैंने कॉल कट करके उसी के अपनी सिस्टर के नंबर पर कॉल बैक करी, वीडियो कॉल करी, और उसका भी सेम रिएक्शन था, लेकिन मैंने वीडियो कॉल करी एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग ऐसे करके, तो कहती है कि कहाँ है तू, क्या हो गया, बिल्कुल नींद में थी, चश्मा ढूंढ रही अपना। मैंने ऐसे एकदम कैमरा ऐसे घुमाया, मैंने कहा ये देख, कह रही तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं गई, और फिर हम दोनों हंस रहे थे बस। तो कहती क्या हो गया, फिर हमने बोला कि गोलू रोहितू का रिजल्ट आ गया, बस इतना ही बोला, और वो इंस्टेड ऑफ गिविंग सम रिएक्शंस एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं, सीधा अपने फ़ोन पर सरकारी रिजल्ट खोल ले बैठे और उसमें सर्च करने लग गई। और हमने उसे बोला कि अरे बेवकूफ़, हम लोग सामने से बता रहे हैं, हम पे भरोसा नहीं है,
अरे नहीं इसमें शो नहीं कर रहा है, तुम लोग मेरा पागल बना रहे हो। तो ये दोनों के साथ सेम चीज़ हुई, मेरा भी यही रिएक्शन था पहले। फिर हमने उसको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे, हम दोनों ऐसे हंस रहे थे। हम दोनों ने फिर बोला तो उसे लग गया था कि हाँ चलो हो गया है क्लियर। तो बस ये प्लान था। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बोला कि तू आस पास ही कहीं पर लंच वगैरह कर ले और थोड़े टाइम मेरा वेट कर लेना, फिर मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के हम लोग घर जाएंगे साथ में। तो बस मेरा भाई वहाँ से चला गया और वो लंच वगैरह करने चला गया, मैं ऑफिस वापस गई। और मैं तो इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या कर रही थी, बट समहाउ आई मैनेज्ड एंड मैंने अपना काम कर। नाम ले रही बैंक और बड़े भाई का। ये देख कैमरा लगा हुआ है साथ में। पार्किंग में खड़ी हूँ मैं, पार्किंग में अपनी ब्रांच की बेच रहे बोलो। ठीक है चल ठीक है भाई। तो अभी ये रिजल्ट आना, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है स्पेशली हम सभी के लिए, बिकॉज पास्ट 2 to 3 months हम लोगों के लिए बहुत हार्ड रहे हैं पूरी फैमिली के लिए। तो उस बीच में ये रिजल्ट आना बहुत बहुत ज़्यादा डबल खुशी है कि हमारे कोई बुरा फेस चल रहा है फिर कोई अच्छी चीज़ हुई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड सो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था हमारे लिए। तो मैंने और मेरी छोटी वाली सिस्टर ने हमने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो एक चीज़ थी वो जो हमेशा से परेशान करता था कि मुझे ये दिला दो, लेकिन दिन भर परेशान करता था, चलो मॉल चलते हैं, मेरे को ये दिलाना है ये लेना है ऐसे करके। तो हमने प्लान कर रखा था कि जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो हम लोग इसको वो चीज़ गिफ्ट कर देंगे। मैं हमेशा मना करती थी, नहीं नहीं मैं नहीं दिला रही, मेरे पास पैसे नहीं है नॉल अपनी जॉब से खरीदना। तो कल हमने फिर बस हमारा पहले से प्लान था, हमने केक डिसाइड कर रखा था। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि अच्छा हुआ है एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, तो हम लोगों ने केक डिसाइड कर रखा था। हमें शूज़ पता था, नंबर पता है, सब कुछ। बस हमने अब करना था फटाफट। तो मैं वापस गई, मुझे बहुत ज़्यादा काम था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी हौच पौच हो गया था, बट फिर भी मैंने बस अपनी छोटी वाली सिस्टर को हैंड ओवर कर दिया कि ये यहाँ से केक ऑर्डर करना है, ये डिज़ाइन है हम दोनों ने जो देखा हुआ था और ये शूज़ है, पैसे दे दिए और बस डन। और फिर उसके बाद वो डेली रहती है, वो मॉल गई, उसने मॉल से शूज़ लिया एंड अपने लिए बस की टिकट करी और उसने केक ऑर्डर करा, उसने पता नहीं क्या क्या नहीं करा। मैं बस अपने काम में लगी रही, बस मेरे को ये था कि मैं फटाफट काम निपटाऊंगी एंड घर जाऊंगी। तो वो 5:30 बजे दिल्ली से निकल गई ये सब कुछ करके, और फिर उसके बाद अराउंड 6 या 6:15 के आसपास मैं फ्री हो गई। तो मैंने अपने भाई को बोला कि चल चलते हैं अब घर। तो अब हमने जो प्लान करा था हमारे साथ बहुत उल्टा हुआ। हम लोग दोनों आए, हम दोनों ने मिठाई लाई थी कि घर पे जाएंगे ऐसा पहले चुपचाप रहेंगे, फिर उन लोगों को बता देंगे लास्ट में मिठाई देंगे कि हो गया है सिलेक्शन। हम दोनों ऐसे सैड सा ऐसे एक्टिंग करते हुए आ रहे थे कि चुपचाप होके जाएंगे। और हम दोनों ने जैसे ही घर में एंटर करा तो मैं पीछे खड़ी थी, मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊंगी, और मेरा भाई आगे था। उससे जैसे ही घर में एंटर करा तो देखा कि घर में बलून लगाए हुए, ये लोग चिल्ला रहे ये कंग्रेचुलेशंस इन ऑल, मेरी दीदी के छोटे छोटे तो बच्चे भी थे। मैं इन सभी चीज़ों की क्लिप्स भी बीच बीच में ऐड करते रहूँगी ताकि आप लोगों को रेफरेंस मिले। तो और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि हम इतना सैड होके आ रखे हैं और ये क्या हो गया। और हम दोनों फिर भी थोड़ा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे क्या हो गया, ये बलून क्यों लगा रखे ऐसा वैसा करके। और फिर मम्मी डर गई कि क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो। मम्मी एकदम चुप हो गई और दीदी लोग भी कि क्या हो गया कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया हमने सुना इसका हो गया ऐसे करके। उन्हें पता नहीं किसने बता दिया कॉल करके यार तब तक। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर एक्टिंग करी, फिर समझ नहीं आया तो हम दोनों फिर हंसने लग गए, अरे यार कि हमारा पूरा हमें उल्टा सरप्राइज दे दिया आप लोगों ने। तो हमने मिठाई दी उन लोगों को, भाई ने पैर वैर छुए, वही फॉर्मेलिटीज इन ऑल बढ़िया करके हो गया सब कुछ। मतलब वो सरप्राइज ही मिल गया हम लोगों को, हम उन्हें सरप्राइज करना चाह रहे थे बट उन्होंने ही हमें दे दिया। लाइदिनु भयो भने पारै हजुर लाग्यो
दीदी बड़ी दीदी मत बड़ी गले मिल यार गले बहुत ऑफिसर बन गया मेरे बड़ी वाली सिस्टर जीजू एंड उनके बच्चे लोग उन लोगों ने बलून लगा रखे थे पूरे घर में एंड केक लेके आ रखे थे तो फिर हम लोग बस वही और फिर इतने में भाई ने जब घर में पता चल गया फिर उसने एक लिस्ट बनाई हुई थी इतने टाइम से कि अगर मेरी जॉब लगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोचने का तो मैं पहले से ही लिस्ट बना के रखता हूँ कि मुझे किस किस को कॉल करनी है किस किस को इन्फॉर्म करना है सो उसने जस्ट वो लिस्ट निकाली एंड वो लाइन से सबको कॉल करने लग गया और बस फिर हम लोग तो उसके आसपास ऐसे खड़े हो गए चौकीदार की तरह सुन रहे लोगों के रिएक्शन ये वो करके मैं रिकॉर्ड करने में लगी हुई मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था वो बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट एंड हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल होता है तो ही ऑल्सो हैज़ अ स्टोरी टू टेल बट नेवरदलेस उसकी जॉब लग गई है एंड हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश है एंड देन कम्स द बेस्ट पार्ट जब हम लोगों ने केक वगैरह कट कर दिया कॉलिंग हो गई सब कुछ हो गया फिर हम लोगों ने थोड़ी देर डांस करा और छोटी वाली एक हमारी दूसरी सिस्टर है वो भी आ गई थी तो हम लोगों ने खाना वाना खाया सब सबको अपनी अपनी पसंद का खाना खिलवाया जिसको KFC खाना था उसने KFC खाया जिसको वेज खाना था उसने वेज खाया बहुत मज़े करे हम लोगों ने और फिर हम लोग एक रूम में आके बैठ गए और बस मैं बीच बीच में अपनी छोटी वाली सिस्टर से बात कर रही थी टेक्स्ट में कि कहाँ पहुँची है नॉल अपडेट्स ले रही थी वो 11 बजे तक पहुँची है तो मैंने 11 बजे से जस्ट 10-15 मिनट पहले जैसे उसने बताया कि वो आने वाली है तो मैं बाहर गई कि मेरे को गाड़ी सही से पार्क करके आनी है तो मैं बाहर गई वो छोटा वाला जो मेरी दीदी का बच्चा है वो पीछे पीछे आने लग गया तो मैंने उसको बोला कि अगर मेरे पीछे आएगा तो मैं अपने पास नहीं सुलाऊंगी तो फिर वो कहता चलो ठीक है नहीं आ रहा नहीं आ रहा फिर वो अंदर आ गया और मैं कुंडी लगा के बाहर चली गई और फिर उसे 10-15 मिनट और थे आने में तो मैंने बाहर पे खड़े होकर उसका वेट करा बस फिर उसके बाद मैं आई क्योंकि किसी को पहले दीदी लोग कह रहे थे कि गोलू आएगी क्या वो कह रही थी आने के लिए ऐसे ऐसे करके मैंने सबको मना कर दिया कि नहीं आ रही है उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है और गोलू ने बस एक बार फ़ोन करा बीच में उसके बाद उसने फ़ोन भी नहीं उठाया कुछ नहीं करा कि मैं सो गई हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है मैंने भी सबको यही बोला कि मेरी उससे बात हुई थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो रेस्ट कर रही है और बस फिर उसके बाद वो आ गई और फिर वो केक लेके आई थी शूज़ लेके आई थी एंड उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया सब लोग एक जगह बैठे हुए थे बिल्कुल मतलब सब कुछ परफेक्टली हुआ वो ऐसे अंदर आई मैं पीछे से कैमरा लेके आई है सबका रिएक्शन मैंने कैप्चर करा है बहुत 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 स्पेशल रिएक्शन था सब लोग डर गए कि अरे 11 बजे ये कहाँ से आ गई सडनली ऐसे किसी को कुछ आइडिया नहीं था बस फिर उसके बाद हम लोगों ने एक SBI थीम्ड केक ऑर्डर करा था तो हम लोगों ने वो कट करा भाई को सरप्राइज करा एंड एंड लास्ट में वो शू वाला चश्मा नहीं यार नहीं यार
पर साइज का थोड़ा इशू है, साइज का थोड़ा इशू है। वाह 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 कड़क गया भैया नहीं का। चलो पा यार खाई यार कुछ यार ऐसे शू वाला जो मैंने बताया था आपको कि उसको एक शू लेना था, हमेशा से पता नहीं कितने सालों से वो मुझे परेशान कर रहा था एंड अभी तो कुछ महीने से बहुत ज्यादा कर रहा था। जब उसका इंटरव्यू था तो हम लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में उसने मुझे बहुत परेशान करा कि प्लीज चल ले यहाँ से, शूज दिला दे। दो वो नहीं लेना चाह रहा था। जब मैं उसको सीरियस होकर बोलती थी कि तुझे सही में चाहिए तो मैं दिला देती हूँ, तब मना करता था, अरे नहीं नहीं मैं मजाक करता हूँ, अभी नहीं चाहिए, मैं खुद ही लूंगा अपने पैसों से। और बस और फिर उसके बाद शुरू हो जाता था, जूता नहीं दिला रही और बस ऐसे करके वो छेड़ता रहता था मेरे को। और फिर वो दैट वाज प्राइसलेस जब उसको मैंने शू दिया, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने, बाकी किसी को नहीं आइडिया था, हम दोनों को ही पता था। जैसे ही मैंने बैग रखा टेबल पे उसे पता चल गया, कह रहा ये वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ। मतलब मैं उसकी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है देखते हुए। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, फिर हम लोगों ने केक वेक खाया और वो शूज़ दिया और बस वो खुश हो गया और सभी लोग खुश हो गए। सो एज अ फैमिली वी हैव लॉस्ट समवन रियली क्लोज टू अस लाइक 2-3-4 मंथ्स बैक। एंड आज मेरे भाई का रिजल्ट आया, उसकी जॉब लगी है, तो दैट पर्सन वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट। बट एनी वेज वी हैव हिज ब्लेसिंग्स एंड हम लोगों को उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा है। आई वाज सेइंग कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, हमने डांस किया एंड बहुत ऐसा चिल्लाने का मन करा था, हमने पूरी मस्ती करी है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो कुछ लाइक वर्ड्स रह जाते हैं लाइफ में वो तो हमेशा रहेंगे, बट लाइफ जोन। सो बस यही, इसी के साथ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, खाया पिया जो मन था सबका एंड जैसा हमने प्लान करा था सब कुछ वैसा ही हुआ है, सब कुछ वैसा हुआ है। इनफैक्ट उससे भी मतलब बहुत परफेक्ट वे में हुआ, स्मूथ वे में हुआ और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड ये दिन आई होप कि आप सभी लोगों की लाइफ में आए, सभी लोगों को ये दिन एक्सपीरियंस करने का मन करे, सभी का एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। एंड बस अब से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं एंड ज़्यादा अच्छे दिन, अभी भी अच्छे दिन चल रहे थे, अभी और ज़्यादा अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तो सो अभी मैंने पूरी स्टोरी बता दी, अब हियर कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरा भाई जो है वो पहले जॉब कर रहा था, लाइक लास्ट 7-8 ईयर से वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। फिर जुलाई में उसने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से कि मैं लाइक कुछ और चीज़ के लिए प्रिपरेशन करूँगा, और जुलाई 31 को उसका रिटायरमेंट हुआ है पुरानी जॉब से। और विद इन 6-7 months उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो फाइनल रिजल्ट आ गया है, ही इज़ ए SBI PO नाउ। तो अगर आप सभी को किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आई एम हियर टू आंसर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो और मैं आप सभी लोगों का आंसर करूंगी एंड अपने ब्रदर के बिहाफ पे भी आंसर करूंगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि वो आप लोगों को आके अपनी स्टोरी बताए तो वो भी मैं अरेंज कर सकती हूँ, बिकॉज उसने बहुत कम टाइम स्पैन में, और लाइक 7-8 साल से आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप स्टडीज से बिल्कुल टच में नहीं हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो, फिर उसके बाद सडनली एक दिन डिसाइड करना कि नहीं मतलब मैं यहाँ से रिज़ाइन करके अब फुल टाइम स्टडी करूँगा और फिर रिजल्ट भी मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी लाइक पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र होके, और मैं आप लोगों के आंसर्स करूँगी। एंड आई एम प्लानिंग ऑन लाइक इन्वाइटिंग हिम ऑन माई YouTube चैनल, तो एक इंटरव्यू टाइप करूँगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। तो थैंक यू सो मच, बाय।